Good evening everyone, welcome back to our channel and welcome back to another new vlog. Hope you all are doing well और हम लोग भी ठीक ठाक हैं. और कल मेरी तबीयत जितनी ख़राब थी आज थोड़ी बहुत ठीक है. तो आज सुबह से मैंने एक्चुअली इतने सारे काम होते हैं ना, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो बस शाम से ही मैंने स्टार्ट किया. और कल जो ब्लॉग गई थी उसके बाद मैं आज ही शूट कर रही हूँ शाम को. तो मैं यहाँ पर सबके लिए चाय बना रही हूँ. चाय मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह से ही बन चुकी है. आज थोड़ा ना फिट महसूस कर रही हूँ, थोड़ी सी अच्छी लग रही है. तो मैंने सोचा कि चलो ना विंटर स्पेशल कुछ अच्छा सा बना दिया जाए, और जब बनाऊँगी मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो बस मेरी चाय बन चुकी है, चाय पी के आती हूँ, इन्जॉय करके आती हूँ चाय, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. अभी फ़िलहाल मैं ना यहाँ पर डिनर रेडी कर रही हूँ. मैं आज डिनर में बहुत अच्छा एक मतलब मूंग दाल, जो ग्रीन मूंग होते हैं ना छिलके वाली, तो उसका एक रेसिपी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. उसी का ही तैयारी चल रहा है. अभी शाम का 7:30 बज रहा है. मैं का पढ़ाई हो चुका है, स्टडी उसका मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ. तो उसके बाद आज सबका कुछ ठंड का स्पेशल मतलब विंटर स्पेशल कुछ खाने का मन हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो ग्रीन मूंग का जो करी होता है ना विथ एग्स, मैं आज वही वाला बनाने वाली हूँ. और उसके साथ मैं रोटियां सेक लूंगी. और सुबह हजारों काम होते हैं तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज विंटर स्पेशल कुछ बन रही है शाम को, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूं. तो बस रूटीन काम करने के बाद शाम को हम लोग चाय वाय पिए, और अभी सेकेंड राउंड चाय बन चुकी है तो वो वाला पी रही हूँ. मतलब ये सेकेंड राउंड चाय पी रही हूँ और इसके साथ साथ ही डिनर का तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुका है. कल फिर मैं का स्कूल है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ती है. तो चलो मैं फिलहाल अभी डिनर का तैयारी करती हूँ और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो जी मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और कुकर में मैं ग्रीन मूंग को बॉइलिंग पे रख रही हूँ. ग्रीन मूंग मैंने पहले ही जब चाय बना रही थी ना शाम को उसी टाइम सोक कर दिया था, तो इसको 4-5 पानी में मैंने वॉश कर लिया है. बस इसको मैं डाल दूँगी अब कुकर के अंदर, इसमें पानी ऐड करूँगी. और पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करिएगा, क्योंकि ये बॉयल होने में थोड़ी सी टाइम लगती है. तो बस ग्रीन मूंग बॉयल होने के लिए मैंने कुकर चढ़ाऊँगी, और चढ़ा दिया है इसमें मैं डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा, कुछ छोटी इलायची और एक तेज़पत्ता. इसमें क्या होता है ना, इसका फ्लेवर जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से इन्हांस हो जाती है. और इसको 2-4 सीटियाँ लगा लूँगी. जब तक मूंग बॉयल हो रही है तब तक मैं ना प्याज को कट कर लूँगी, और इसको ना ज़्यादा मतलब बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े मोटे मोटे ही चॉप कर लूँगी मैं. और मेरे हाथ में ना आज ब्लॉग नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये शूट किया और यही फटाफट से मैं आप अपलोड कर दूंगी, आप लोगों के पास ब्लॉग पहुंच जाएगी. तो बस यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया, और टमाटो को ना मैं कद्दूकस कर लूँगी, तो क्या होगा इसका जो छिलका है ना वो निकल जाएगी. मुझे इसका छिलका नहीं चाहिए, सिर्फ टमाटो का जो पल्प होती है ना वो हमको चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट देता है इसमें. तो बस छिलके मुँह में आ जाते हैं इसलिए छिलका मैं हटा दे रही हूँ. तो बस मैंने 4 टमाटो लिया मीडियम साइज़ के. आपके पास बड़े टमाटो हो तो आप 2 ले सकते हो. मैंने 4 लिया और इतनी सी पल्प निकली इसमें से. और बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल. ये जो दाल है ना ये आप जरूर से सरसों तेल या तो फिर घी में ही बनाइएगा, तभी इसका मज़ा आता है. बस रेगुलर ऑयल में मत बनाइएगा, उतना अच्छा टेस्ट नहीं करता है. तो बस यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया, वो फ्लटर कर गई, तो मैं इसमें डाल दी प्याज जो मैं कट करके रखी थी. इसका कलर जो है ना, कलर मुझे चेंज करना है. बस इस स्टेज तक मैं डालूंगी कुछ लहसुन की कलियाँ. बस लहसुन की कलियाँ डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है. इसमें ऐड करूंगी टमाटो पल्प जो मैंने पल्प बना के रखी थी, तो बस उसमें पानी रिंस करके ऐड कर दूँगी. बस और क्या करना है, इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से. बस ये मिक्सड हो जाए थोड़े अच्छे से, तो बस इसको इसमें एक जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए. ये फ्रेशली कूटा हुआ है घर में,
और आप चाहे तो स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं। बस जिंजर गार्लिक तब तक इसको पकाते रहिए जब तक इसका जो खुशबू है उड़ ना जाए। और इसमें मैं खुशबू उड़ने के बाद मैं यहाँ पे मसाले कर रही हूँ, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया के पाउडर, उसके साथ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले ऐड किया नहीं था। तो बस नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मीट मसाला, जो ये स्टोर बॉट है, मार्केट में बड़े आसानी से ये मिल जाते हैं। तो बस ये ऐड करने के बाद थोड़ा मसालों को मैं पकाऊंगी, और मसाले जल ना जाए बस इसीलिए इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी पानी, मतलब पानी ऐड करके थोड़ी थोड़ी करके भूनिएगा मीडियम टू लो फ्लेम में। इससे क्या होगा कि मसाले बहुत अच्छे से पक जाएंगे और इसका जो कच्चेपन है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो बस मसाले को पकाने के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ये ज़रूर से डालिएगा क्योंकि इसमें टेस्ट में बहुत ही चेंजेस ला देती है और बहुत ही रिचनेस लाती है। बस कसूरी मेथी ऐड करने के बाद थोड़ी सी पकाऊंगी मैं इसको मसाले को। मसाले में ऑयल रिलीज़ करने लगा है, ये देखिए, तो ये डन हो चुका है। बस इसको गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है फ्लेम को, और इसको दूसरी ओवन पे मतलब शिफ्ट करके ये मेरा यहाँ पे मूंग दाल बॉयल हो चुकी है, ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है। इसमें जितने खड़े मसाले थे वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर जितना आना था तो आ ही गया है। बाकी रहने से ये खड़े मसाले के ना फ्लेवर बहुत डोमिनेटिंग होती है, जो हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा, तो बस आप इसको रहने दें इसमें, लेकिन इसका जितना फ्लेवर आना था वो फ्लेवर तो आ चुका है ये दाल में, तो हम लोगों को और नहीं चाहिए। तो बस इसको मैं डिस्कट कर दूंगी। तो जहाँ जहाँ मसाले थे, खड़े मसाले दिख रहे थे मुझे, वहाँ वहाँ से मैंने पूरा ही डिस्कट कर दिया। और इसके बाद जो मसाले मैं बना के रखी थी ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं ऐड कर दूंगी ग्रीन मूंग में। और ये मूंग दाल पूरी तरह से बॉयल नहीं हुआ है, ये 80% बॉयल हो चुकी है। क्यों? और मैं अभी क्या करूँगी कि इसमें मसाला मिलाने के बाद और पूरा जो पानी रिंस करके, मसालों को रिंस करके पानी ऐड करूँगी, और इसको ना मेरा थोड़ा सा थिक, मतलब थिक लग रही है तो और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी पतली हो जाए 2-4 सीटी लगा दूँगी, नहीं 4 सीटी लगाई थी। तो बस ये बॉयल्ड हो जाएगा, अपने आप सीटी रिलीज़ हो जाएगा, तो बस ये पक जाएगी। और सेम कढ़ाई में जिसमें अभी अभी मसाले बनाए, उसको धोना नहीं है, बस सेम कढ़ाई में आप ले लीजिए थोड़ा सा रेगुलर ऑयल, और ऑयल थोड़ी सी मतलब कढ़ाई में फैला लीजिए। और इसमें मैं डाल दूँगी अंडा, मतलब ये जो एक भुर्जी होती है ना वो मैं बनाऊंगी काइंड ऑफ। इसमें प्याज वगैरह तो मैं नहीं डालूंगी, सिंपल सा जो एक भुर्जी होती है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि मैं जो दाल बना रही हूँ ना ये कोलकाता में ना बड़ा फेमस है, और इसको बोला जाता है एक तड़का। तो बस वही है, एक वाली मूंग दाल मैं बना रही हूँ, एकदम फेमस रेसिपी है, हर जगह में आपको, हर रेस्टोरेंट में, हर स्ट्रीट फूड में आपको ये वाली रेसिपी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। कोलकाता में अगर आप हो आपको तो पता ही है। और बस ये बड़ी अच्छी लगती है ठंड की मौसम में, ये वाली रेसिपी हर घर में बनती है। तो बस मैं अभी इसको एक भुज्जी बना रही हूँ, एकदम मतलब जो कड़क भुज्जी होती है ना वही वाला मैं बना रही हूँ, और इसमें थोड़ी सी भी लम्स ना रहे तो मैं वैसे ही बना रही हूँ कढ़ाई में। सॉरी, लम्स नहीं, मतलब कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो मसाले का फ्लेवर है ना वो एग्स में आ जाए, तो बड़ा अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी देता है अच्छा। तो बस ये मेरा डन हो चुका है, वहाँ मूँग दाल मेरा बन चुका है, तो चलिए सर्व कर लेती हूँ। सर्व इट हॉट, और ये बहुत अच्छी लगती है। बस इसमें गार्निश करूँगी या फिर ऐड करूँगी एग्स भुज्जी, इसी तरह से ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दीजिए एग भुज्जी, क्योंकि ये एग वाली मूंग दाल है। और घर में ना ये ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, एक बार बना के देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और बस इसके साथ मैंने गर्मा गर्म रोटियां सेक ली थी और बेहद पसंद आया था सबको। आई होप आप लोगों को
को भी पसंद आएगा घर में बनाने के बाद। तो चलिए यहाँ पे मैं आज आ गई हूँ ब्लॉग का एंड में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।